रात को बारिश हुई है और पूरा यहाँ पे कोहरा हो गया है, पूरा फॉगी हो गया है यहाँ पे। लेकिन ये पॉइंट क्यों आना चाहिए, इसका रीज़न ये है कि यहाँ से देखो सिटी का व्यू है पूरा, वो अमेजिंग दिखता है। तो बुडापेस्ट है वो एक्चुअली दो पार्ट्स में बटा हुआ है, एक है बुडा और एक है पेस्ट। अभी वॉक करके हम बुडा से पेस्ट की तरफ जा रहे हैं। यह एक हंगेरियन डिश जिसका नाम है लांगोश, ये वही चिकन पेपरिकास विद डम्पलिंग्स। ये यहाँ पे हाफ रेट की हमने वहाँ पे 8 यूरो के आसपास ली थी, यहाँ पे 4 की मिली है। गुड मॉर्निंग अगेन फ्रॉम बुडापेस्ट। आज है हमारा बुडापेस्ट में day 3 और हम प्लान कर रहे हैं बाकी के जो प्लेसेस बचे हुए थे वो घूमने का। लास्ट दिन हमने ट्राई किया था, सुबह निकले थे टाइम से, सेंट्रल मार्केट पहुँचे थे, बारिश अचानक से शुरू हो गई थी। और बारिश यहाँ पे जनरली इतनी ज़्यादा पड़ती नहीं है, लेकिन उस दिन बहुत तेज़ थी, छाता भी नहीं था हमारे पास, और सर्दी यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, अभी 2-3 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। तो हमने डिसाइड किया कि उस दिन के लिए रेस्ट करते हैं, नेक्स्ट डे ट्राई करेंगे। तो आज नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, 7 बजे हुए हैं और हम टैक्सी कर लेते हैं सीधा बुडापेस्ट कैसल के लिए, जो कि यहाँ का मेन अट्रैक्शन है और बाकी अट्रैक्शन है उसके आसपास ही हैं। तो एक बार वहाँ पहुँच जाते हैं, वहाँ से वॉक करके फिर बाकी के सारे प्लेसेस हैं वो ट्रैवल करेंगे। तो टैक्सी हमने बुक कर दिया, फटाफट से जाते हैं, नीचे वेट करेंगे, 2-3 मिनट में टैक्सी आ जाएगी और फिर जाते हैं बुडा कैसल। तो अभी टैक्सी करके हम आ गए हैं यहाँ पे बुडा कैसल। तो यहाँ एक ही जगह पे 3 पॉइंट हैं एक्चुअली। बुडा कैसल है वो इस साइड है, पीछे की तरफ मेरे पीछे आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं फिशरमैन बस्टन। और यहाँ पे ये जो दिख रही है, ये वाली जो बड़ी सी चर्च दिख रही है मेरे पीछे, ये वाली, इसको बोलते हैं मैथ्यूज चर्च, तो माथियास चर्च। तो यहाँ पे 3 पॉइंट हैं। वेदर है अभी देखो आपको पूरा धुंधला दिख रहा होगा, इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे रात को बारिश हुई है और पूरा यहाँ पे कोहरा हो गया है, पूरा फॉगी हो गया है यहाँ पे। लेकिन अच्छी बात यह है कि ठंड इतनी ज़्यादा नहीं है, है ना। तो अभी टेम्परेचर तो वैसे यहाँ पे 3 से 4 डिग्री है इस टाइम पे, लेकिन ठंड नहीं है, ये अच्छी बात है। तो एक्चुअली हम जो खड़े हुए हैं, ये आपको जो सिमेट्री दिख रही है, ये है फिशरमैन बैशन। यहाँ पे एक स्टैचू भी है बाहर जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। लेकिन ये पॉइंट क्यों आना चाहिए, इसका रीज़न ये है कि यहाँ से देखो सिटी का व्यू है पूरा, वो अमेजिंग दिखता है। अभी फॉग है, कुछ भी नहीं दिख रहा यहाँ से, लेकिन अगर आप नॉर्मल टाइम पे आते हो जब फॉग नहीं होगी, तो देखो यहाँ से मैं आपको दिखाऊं, यहाँ से सिटी का व्यू है, वो पूरा सिटी यहाँ से दिखता है। तो ये फ़ायदा है अगर आपको यहाँ पे आना है। बुडा कैसल, फिशरमैन बस्टन, ये एकदम पास पास है, समझ लो 500 मीटर की डिस्टेंस होगी दोनों में। तो आप बुडा कैसल उतर जाओ और यहाँ पे आप आराम से वॉक करके आ सकते हो। ये पूरा चौक है, ये पूरा सर्कल है, ये काफ़ी अमेजिंग है, अच्छी फील आ रही है यहाँ पे। तो ये देखो पिक्चर डिवाइस है 1895 का, ये फिशरमैन बॉस्टन पे लगा हुआ है। इसके सामने जस्ट देखोगे तो यहाँ पे ये स्टैचू है, और यहाँ पे देखो अगर ऊपर, अगर आप ऊपर वाले लेवल पे जाते हो तो उसकी टिकट है करीब 1000, यहाँ की जो लोकल करेंसी है हंगेरियन फ्रैंक, तो वो आपको पड़ेगी करीब करीब 4 डॉलर के आसपास। लेकिन अगर आप नीचे से ही देखते हो यहाँ से, तो यहाँ से वही व्यू आप फ्री में एंजॉय कर सकते हो। ऊपर से ऑब्वियसली थोड़ा सा बेटर दिखेगा और क्लियर दिखेगा,
यहाँ से आपको इन प्लर्स के बीच में से देखना है, लेकिन व्यू है वो सेम रहेगा। यहाँ पे बड़े अच्छे से स्टैचूज़ हैं, और ये स्टैचू से सामने आप देखोगे तो यहाँ सीढ़ियाँ हैं, और बड़ा मस्त व्यू दिखता है, और सेम इधर है। तो मेरे पीछे है जो मैंने बताया वो भी स्टैचू, वो यहाँ थे। यहाँ पे ये पूरी चर्च है, और थोड़ा सा आगे चल के एक और स्टैचू है। तो ये हैं यहाँ पे देखने के पॉइंट। बूढ़ा कैसल है यहाँ से थोड़ी सी वॉकिंग डिस्टेंस पे है। हमने क्या किया था, आपको भी ये सजेस्ट करेंगे कि कैब करके बूढ़ा कैसल तक आ जाओ, क्योंकि इसकी हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आप सोच रहे हो कि वॉक करके यहाँ पे आया जाए तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो अच्छी अप्रोच ये है कि वहाँ पे एनर्जी सेव करो, वहाँ पे कैब करके यहाँ पे आ जाओ बूढ़ा कैसल, और यहाँ पे फिर टाइम है वो आप एक्सप्लोर करने में लगाओ। यहाँ से सिटी का व्यू दो, यहाँ से कैसल देखो, यहाँ से और जो इनके जो स्टैचूज़ हैं इनको एंजॉय करो। तो बस यहाँ पे हमारा ये वाला पॉइंट भी हो गया है कवर। यहाँ पे हमने देख लिया है ये चर्च, मैथायास चर्च, फिशरमैन्स बेस्टन और बूढ़ा कैसल। तो मेरे पीछे जो स्टैचू दिख रहा है, एक्चुअली मैंने पहले बोला था वो फिशरमैन बेस्टन है, ये नहीं है। आप इस चर्च से, मैथायास चर्च से पीछे की तरफ जाओगे वो है फिशरमैन बेस्टन, और वहाँ से ही पूरी सिटी का व्यू दिखता है। तो बूढ़ा पेस्ट है वो एक्चुअली दो पार्ट्स में बटा हुआ है, एक है बूढ़ा और एक है पेस्ट। तो बूढ़ा पार्ट है जहाँ पे अभी हम हैं, यहाँ पे कैसल है, फिशरमैन बेस्टन है, ये सब एरिया आता है बूढ़ा पार्ट में। बीच में एक डबूने रिवर है जिसके ऊपर चेन ब्रिज बना हुआ है, और वो चेन ब्रिज है ये दोनों पार्ट को कनेक्ट करता है। तो उसके जैसे ही हम अपोजिट साइड जाएंगे वो है पेस्ट वाला पार्ट, और वहाँ पे सेंट्रल मार्केट वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें हैं। हंगेरियन पार्लियामेंट है वो पेस्ट साइड में, और ये कैसल वगैरह हैं ये बूढ़ा साइड में। तो अभी वॉक करके हम बूढ़ा से पेस्ट की तरफ जा रहे हैं। तो बूढ़ा कैसल घूमने के बाद अभी हम आ चुके हैं एक हंगेरियन स्टाइल रेस्टोरेंट में। ये जो सेंट स्टीफन बेजिलिका है उससे 200-300 मीटर डिस्टेंस पे है। प्राइसेस भी अच्छी हैं, और यहाँ पे लोकल आपको अगर हंगेरियन फूड ट्राई करना है तो ये काफ़ी अच्छा स्पॉट है। इसका नाम है ड्रम कैफ़े बूडापेस्ट। और अभी देखो हमने कुछ ऑर्डर किया है, अभी कॉफ़ी मंगाई है सबसे पहले, तो बाद में कुछ ब्रेकफास्ट के आइटम ऑर्डर किए हैं। लेकिन अच्छी बात ये, सेंट्रल मार्केट में हमने खाया था वो बहुत एक्सपेंसिव था, यहाँ पे प्राइसेस हैं रिलेटिवली बेटर हैं। अभी सबसे पहले हमने की है ये कैपेचिनो दो, और रेयान के लिए हमने ऑर्डर किया है ऑरेंज जूस। तो पहले ये ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम मंगाएंगे ब्रेकफास्ट। तो ये है एक हंगेरियन डिश जिसका नाम है लांगोश। ये वही चिकन पेपरिकास विद डम्पलिंग्स। ये यहाँ पे हाफ रेट की हमने वहाँ पे 8 यूरो के आसपास ली थी, यहाँ पे 4 की मिली है। और ये हैं कुछ हंगेरियन स्टाइल पैनकेक्स जो हमने लिए हैं रियान के लिए। अच्छा, तो ये हमने टेस्ट किया, अभी ये अच्छा है। सेकेंड हम टेस्ट करते हैं चिकन पेपरिकास। तो अभी ट्राई करते हैं चिकन पेपरिकास, तो हमने ऑलरेडी खाया हुआ है तो एक डिफरेंस भी पता चल जाएगा कि बेटर है कि नहीं है। इसका भी टेस्टी है, लेकिन वहाँ पे क्या पूरा चिकन था वो बोन वाला था, यहाँ पे बोनलेस है। तो ये भी अच्छा है, लेकिन वो ज़्यादा बेटर था। लेकिन अगेन प्राइस इसकी एकदम हाफ है उससे। और थर्ड चीज़ जो हमने ऑर्डर की है वो है हंगेरियन स्टाइल पैनकेक्स। ये अच्छे हैं, ये जो अपने इंडियन स्टाइल जो पैनकेक होते हैं उसके जैसे ही हैं, और अंदर काफ़ी सारी स्वीट है। तो ब्रेकफास्ट पूरा अच्छा है। तो बस यहाँ पे खाना खाने के बाद हम वापस आ गए थे अपनी होटल पे। उसके दो रीज़न थे, एक तो आज का दिन हमने प्लान ही इस हिसाब से किया था क्योंकि 12 बजे के बाद बारिश होने वाली थी पूरे दिन, तो हम अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे और दोपहर तक घूम के वापस आ गए। और दूसरा रीज़न ये था कि हमारा होटल है एयरबीएनबी जो था, वहाँ से हम चेकआउट करने वाले थे, और सिटी सेंटर पे
हमने एक दूसरा होटल लिया था क्योंकि हमने एक दिन के लिए और एक्सटेंड कर दिया था। वहाँ से अपना सामान पैक करके और नई होटल में शिफ्ट होने वाले थे क्योंकि ये होटल सिटी सेंटर में था, तो बाकी सारे पॉइंट्स हैं यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे थे। तो अगले दिन हम जो चेन ब्रिज है वो इस होटल के पास ही था, सेंट्रल मार्केट और वहाँ का जो क्रिसमस का जो मार्केट लगते हैं वो सारी जगह हमने अगले दिन घूमी। तो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और आप अगर आपको ये सारी चीज़ें देखनी है और आपको जानना है कि अगले दिन हमने वहाँ पे बुडापेस्ट में क्या क्या किया, तो देखिए अगला वीडियो। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को करिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।